Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So welcome to a very 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 nice video because aaj ki video ka collection is so 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 good and the budget is also ₹1000. Main excitement mein batana hi bhul gayi. So hua ye ki maine Diwali ke liye shopping kari thi and maine kafi shopping kari thi from Myntra, from Meesho, from Amazon and matlab kahan kahan se nahi kari thi maine. And wo sara mere paas abhi pura stock rakha hua hai but mereko parcels itne late aaye sab ke Diwali to almost ek do din baad hi thi to mera koi sense nahi banta tha us time ki main ise Diwali content ki tarah dalu because जिसको मंगाना होगा वो दो दिन में डिलीवर तो होगा नहीं. सो आई थॉट कि एनीवेज वेडिंग सीजन आने वाला है तो मैं इसको फेस्टिव से शिफ्ट करके थोड़ा वेडिंग में डाल देती हूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. मैंने अमेजोन से प्रॉपर शादी वाले सूट मंगाए हैं, लाइक प्रॉपर अनारकली शरारा सेट सूट्स एंड सारे ही सेट्स हैं. ऑल्सो आई हैव केप्ट द बजट ₹1000 तो अफोर्डेबल भी काफी है एंड जो वेडिंग वाले होते हैं ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं बट आई फील लाइक 1000 इज अ गुड प्राइस. एंड आप देख ही सकते हो कि आज का ये जो मैंने पहना हुआ ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है. आपको मैं दिखाऊंगी धीमे धीमे बट आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज जितने मैंने ट्राई करे हुए ना वट आई डू इज मैं वीडियो फिल्म करने से पहले ही सारा ट्राई कर लेती हूँ. सो मुझे पता चल जाता है कैसे एंड आई डिड नॉट इवन डिसलाइक वन. आई एम टेलिंग यू दैट इतने अच्छे हैं. चलो मैं ज्यादा बोल नहीं रही, अब छोड़ो वीडियो शुरू करते हैं. इफ यू आर न्यू हियर देन हाई, माई नेम इज राशि एंड आई वुड लव फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. सबसे पहला जो सूट मैंने मंगाया है वो है एक अनारकली सूट सेट एंड वन सेकेंड and it is in a beautiful purple color. So this is what the kurta set looks like and this is what I have received. Now iski jo ye jo kurta hai na pura anarkali wala kurta hai and aise isme pura figure bahut acha aata hai. Uske baad yahan pe aapko ek square neckline mil jayegi. Now mujhe bas itni si problem lagi hai isme ki I remember the model jo unhone dikhayi thi na. आई एम सो सॉरी, इंडिया जीती है अभी सो इसलिए फटाके फूट रहे हैं. बट मैं बोल रही हूँ जो मॉडल है ना उसने जो स्क्वायर पहना था ना वो काफी यहाँ से स्क्वायर था तो वो मुझे काफी अच्छा लगा. बट इसका जो स्क्वायर है ना हल्का सा कंजस्टेड सा है बट नेवर माइंड, पहन के अच्छा लग रहा था. सो इट कम्स विद अ प्लेन कुर्ता. इसका जो मटीरियल है वो कॉटन ब्लेंड मटीरियल है एंड यू गेट 3-4 स्लीव्स, आगे कुछ बटन्स मिल जाते हैं आपको. पूरा प्लेन कुर्ता है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है. एंड इसकी जो पैंट है दैट इज ऑल्सो पर्पल एंड पूरी प्लेन है. नाउ द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट हैज टू बी दिस चुन्नी. ये जो चुन्नी है ना पूरे ऑर्गेन्जा पैटर्न में है एंड इट इज वेरी लॉन्ग, मतलब इतनी लंबी चुन्नी आती नहीं आजकल. सो दिस इज वेरी लॉन्ग एंड काफी लंबी और चौड़ी है. सो दिस इज व्हाट द चुन्नी लुक्स लाइक. इसमें ऐसी सी स्टाइल है तो ये बहुत ही एलिगेंट लगती है एंड इसमें जो लेस लगाई हुई है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है. एंड ओवरऑल जो लुक है ना पूरे कुर्ते सेट का वो बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब बहुत ही डिसेंट लग रहा था. आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हो अच्छे से, गोल्डन बड़े बड़े झुमके पहन सकते हो आप. बाय द वे मैंने झुमके भी मंगाए हैं, सो मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी. बट आप अच्छे से इसको एक्सेसराइज कर सकते हो एंड द प्राइस इज वेरी नाइस. ये सिर्फ ₹700 का है, 699 का, एंड उस हिसाब से काफी अच्छा है छोटे मोटे फंक्शन के लिए या फिर कोई ऐसे रिश्तेदारों की शादी हो जहाँ पे आपको जाना है, सूट वूट चाहिए तो आप वो ले सकते हो. मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है इसको एंड मुझे अच्छे से फिट हुआ है एंड मुझे काफी डिसेंट लगा है और कलर भी ऐसा, मतलब पर्पल में पे था नहीं, एकदम चटक वाला. सो दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट सूट लुक्स लाइक. जो नेक्स्ट पीस है कुर्ते सेट में वो ये है जो मैंने पहना हुआ है अभी एंड दिस इज अ स्पेगेटी कुर्ता. तो इसमें आपको ऐसे स्पेगेटी पैटर्न में मिलता है ये एंड मुझे इस टाइप के कुर्ते इतने पसंद है ना, लाइक मुझे स्लीवलेस और ये स्पेगेटी पैटर्न वाले बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. इसमें आपको एडजस्ट करने वाला मिल जाता है एंड मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगाया है. यहाँ पे इसमें थोड़ी सी ऐसे धागे की कढ़ाई है एंड बाकी पूरा प्रिंटेड है. उसके अलावा आपको एक चुन्नी भी मिलती है इसमें एंड यू गेट प्लाजो पैंट्स. तो पूरा ही लुक एकदम शरारा जैसा है, ये काफी ब्यूटीफुल लगता है. इसकी प्राइस भी काफी सही है, ये मुझे ₹898 का पड़ा है, मतलब ₹900 का पड़ा है. मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगाया है. इसका जो मटेरियल है कुर्ते और प्लाजो का वो रेयन मटेरियल है. इसकी जो चुन्नी है वो कॉटन है सो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है एंड अगर एक वॉश होगा इसका तो ये और सॉफ्ट हो जाएगी. सो आई जस्ट रियली रियली लाइक दिस. मुझे ऐसे अपनी बॉडी पे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे स्पेगेटी वाले. जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो भी पर्पल कलर में मंगाया मैंने एंड कलर इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन दैट आई शोड यू. दिस इज हाउ द कुर्ता सेट लुक्स लाइक. इसका कुर्ते का जो डिजाइन है दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कढ़ाई, मतलब इतनी ज्यादा सुंदर कढ़ाई करी गई है इसमें. आप देखो पास से, इतनी गॉर्जियस लग रही है एंड दिस इज द लाइक आप जब पहनते हो ना इसको सबसे पहले इंसान की निगाहें इसी पे जाती हैं. इतना सुंदर है ये काम सीक्विन का एंड इट इज वेरी क्लीन एंड नीट. मुझे बहुत अच्छा लगा. आप इसको टच भी करोगे ना तो आपको ऐसा कुछ भी उठा उठा सा नहीं दिखेगा बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे से स्टिच कर रखा है इसको. एंड ये आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं इसमें. इसमें सिर्फ सीक्विन वाला पैटर्न यहीं पे है, बाकी पूरा जो भी आपको दिखेगा नीचे ये सारा प्रिंटेड है. यहाँ पे प्रिंटेड है एंड यहाँ पे भी प्रिंटेड है बिकॉज अगर सारा सीक्विन का होगा तो इसकी प्राइस आराम से महंगी होगी, मतलब 2-2 हजार की. उसके साथ में
में एक पैंट आता है, स्ट्रेट पैंट आता है एंड कुर्ते का पैटर्न अनारकली है और इसके साथ एक पैंट आता है और इसकी जो चुन्नी है ना दैट इज ऑल्सो प्रिटी नॉर्मल. ये बहुत ही वाइड मतलब बहुत ही चौड़ी चुन्नी नहीं है, दिस इज डिसेंट ठीक है. और लेंथ इसकी सही है, मतलब लेंथ मुझे अच्छी लगी. मैं आपको दिखाती हूँ लेंथ कितनी है. मैं डबल फोल्ड करती हूँ तब ये इतनी हो रही है. सो दिस इज रियली रियली लॉन्ग एंड ओवरऑल मुझे पहन के बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एकदम परफेक्ट जो होता है ना शादी वादी टाइप का वैसा लग रहा था. इसकी प्राइस 999 है एंड 999 के हिसाब से बहुत ही प्यारा सूट सेट है, मतलब बहुत ही कंप्लीट मुझे सूट लगा. कंप्लीट इज द वर्ड फॉर दिस, बहुत ही डिसेंट है एंड आई रियली लाइक्ड इट. इसका कुर्ता पैंट दुपट्टा तीनों का मटेरियल ही रेयन है, सो दैट्स दैट. जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो मेरे पास पहले का रखा हुआ है, वो भी मैंने अमेजोन से मंगाया है बट मैंने कभी शेयर ही नहीं करा और वो शादी टाइप का ही है थोड़ा, मतलब शादी के किसी फंक्शन के टाइप का है. सो दिस इज व्हाट द कुर्ता सेट लुक्स लाइक. मैं इसको पहन भी चुकी हूँ, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस. दिस इज व्हाट द कुर्ता सेट लुक्स लाइक. इसमें ना अनारकली कुर्ता आता है पूरा ऐसा एंड बांधनी पैटर्न कहते हैं इसको, बांधनी प्रिंट है ये एंड 3/4 स्लीव आती है नॉर्मल. इसका जो कपड़ा है वो शिफॉन है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गोटा टाइप का मिल जाएगा. उसके बाद इसमें जो चुन्नी आती है वो भी सेम पैटर्न की आती है एंड इसकी जो पैंट है वो पूरी प्लेन है. तो मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी इसको पहने हुए. मैंने इसको फेब में पहना था कभी एंड पता नहीं क्यों मैंने कभी शेयर ही नहीं करा, बिकॉज इसका भी मौका ही नहीं पड़ा होगा. सो ये मैंने अपनी मामा के शादी के किसी फंक्शन के लिए लिया था. ये मुझे 999 रुपीज का पड़ा था तब और अभी भी ये 999 का ही है, सो गुड फॉर मी. मैंने इसको स्मॉल साइज में ही मंगाया है, सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड इसका जो कलर है ना बहुत ही फेस्टिव कलर है एंड आई वोर ग्रीन इयररिंग्स विद दिस, तो उसको काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एंड वो इयररिंग्स काफी हैवी भी थे. वो भी मैंने अमेजोन से लिए थे बाय द वे, उनको भी लिंक कर दूंगी मैं नीचे. सो काफी अच्छा सेट है ये एंड आई थॉट कि मैं इसको भी शेयर कर देती हूँ बिकॉज क्या पता किसी को अच्छा लगे ये पैटर्न. उसके बाद जो लास्ट सेट है, मैंने 5 ही मंगाए हैं, जो लास्ट सेट है वो है ये एंड दैट इज दिस. नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टर्कोइश कलर. ये मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे पहना था एंड इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल. ये थोड़ा सा हजार से ज्यादा है, दिस इज फॉर 1200 रुपीज. तो दिस इज द पैटर्न, मतलब वो चमकने वाला पैटर्न है. चिकनकारी लिखा हुआ है अमेजोन पे लेकिन ये प्रॉपर चिकनकारी वैसा नहीं है, ये मशीन वाला थ्रेड वर्क है. सो दिस इज व्हाट द कुर्ता लुक्स लाइक. काफी मतलब डिसेंट लगा मेरे को एंड काफी भरा भरा है. सो दिस इज प्रॉपर लाइक फॉर शादी के, तो आप आराम से किसी की भी शादी में पहन सकते हो. इसमें आपको साइड में हाथों पे ये वाला गोटा मिल जाएगा सिल्वर कलर का एंड मैंने इसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पेयर करा था दिवाली के नेक्स्ट डे. उसके बाद इसमें ना शरारा पैंट आता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हैवी. यू गेट दैट शरारा कट. नाउ इसमें एक चीज है कि इसका जो कुर्ता है ना वो थोड़ा यहां तक आता है तो आपको ये कट नहीं दिखेगा. सो आई वॉज थिंकिंग मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम करा लूँ यहाँ तक ताकि वो दिख जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीस एंड मेरे हिसाब से द प्राइस इज ऑल्सो डिसेंट. लाइक इतना ज्यादा काम किया हुआ है उन्होंने थ्रेड वर्क के, वो प्राइस भी उसका मुझे सही ही लगा है बींग ऑनेस्ट. बिकॉज आप मार्केट में लेने जाओगे आपको 2500-2600 से कम नहीं मिलेगा. इसकी जो चुन्नी है वो ऐसी आती है बिल्कुल प्लेन एंड गुड दैट इसकी चुन्नी प्लेन है बिकॉज ऑलरेडी सूट और इसमें शरारा और इसके पैंट में इतना काम किया गया है कि मतलब चुन्नी में इतना काम करने की जरूरत नहीं थी एंड इट इज प्लेन. ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा था ये पहनकर एंड इसकी फिटिंग एंड ऑल भी काफी सही आई है मुझे. ये मैंने स्मॉल साइज में मंगाया है. सारे सूट मैंने दिखा दिए हैं, मैं आपको इयररिंग्स भी दिखा देती हूँ. सबसे पहले मैंने ये वाले इयररिंग्स मंगाए थे. नाउ मुझे ना ऐसे कलरफुल या फिर मतलब जो ऐसे मल्टी कलर टाइप के होते हैं ना मैं इन्हें मंगाती रहती हूँ बिकॉज मेरे पास काफी सारे ऐसे सूट वूट हैं तो उन पर चल जाते हैं. तो ये बहुत ही पेस्टल टोन्स में है, येलो है इसमें, मरून है, ग्रीन है एंड काफी ब्यूटीफुल सा है. ये मुझे 380 रुपीज का पड़ा है एंड काफी अलग है, मतलब ऐसे आपको देखने नहीं मिलेंगे. सो मुझे दिखे तो मैंने ले लिए. दो और भी मंगाए हैं मैंने, दिखा देती हूँ मैं आपको. एक मैंने ये ब्लू कलर के मंगाए थे बिकॉज आई डोंट नो क्यों मुझे लगा कि मैं ब्लू मंगाऊंगी कुछ, बट मैंने मंगाया है और दूसरे हॉल्स में. तो ये मैंने मंगाए हैं ये वाले इयररिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल से ब्लू कलर में, 239 रुपीज के पड़े हैं मुझे एंड ब्लू एंड गोल्डन है तो काफी कॉमन सा कॉम्बिनेशन है. मतलब हो गई मेरे पास ऐसा कुछ, और अगर नहीं भी है तो व्हाइट के साथ या कुछ भी मतलब कंट्रास्ट में ऐसे कलर काफी अच्छे लगते हैं. उसके बाद मैंने एक बहुत ही कॉमन से मंगाए हैं, मतलब कलर इज वेरी कॉमन गोल्डन. नाउ ये वाले जो है ना इयररिंग्स काफी बड़े हैं, काफी हैवी हैं एंड ये इस आउटफिट पे भी काफी अच्छे लगते बट मैंने पहने नहीं. सो ये इनमें मोती का काम है, ऐसे लटकन सी लगी हुई है. ये मुझे 379 रुपीज के पड़े हैं, काफी अच्छे लग रहे थे एंड ये इयररिंग्स ऐसे होते हैं कि अगर आप यही पहन रहे हो फिर गले में कुछ नहीं पहन रहे तो चल जाता है. सो उस बेसिस से मैं मंगाती हूँ बड़े इयररिंग्स एंड मुझे प्रॉपर बड़े झुमके पहनना बहुत पसंद है. सो उतना ही मैंने मंगाया है इस अमेजोन से. इस वाले लाइक
वीडियो के लिए. नाउ मेरे पास आगे बहुत सारे फेस्टिव कंटेंट लाइंड अप हैं एंड मैं धीमे धीमे करके सब डालूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. जितने भी आइटम्स मैंने आपको दिखाए हैं इंक्लूडिंग इयररिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सारा लिंक है नीचे. मैं पिंड कमेंट पे भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग देख पाओ और खरीद पाओ. आई होप आपको आज का वीडियो अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल लगा हो, बिकॉज जो आउटफिट्स मैंने मंगाए हैं वो मैं पहन सकती हूँ. एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू लाइक अ वेरी क्या कहेंगे कंजर्वेटिव फैमिली मे बी, बिकॉज इतना मेरे यहाँ पे भी इतना ऐसे खुले खुले कपड़े नहीं पहनते शादियों में. सो मैंने उसी हिसाब से मंगाए हैं. एंड yeah, I hope you enjoyed watching this video. Thank you for watching if you're watching it till here. And if you like this video, give it a big fat thumbs up or subscribe kar dena mere channel ko. If you don't follow me on my Instagram yet, then what are you waiting for? This is my Instagram handle. And yeah, that is it. I'll see you super soon in my next video. Till then, bye-bye, toodles.